जरा सोच कर देखो, वो घर जिसे हम दुनिया की सबसे सेफ जगह मानते हैं, वो स्वर्ग से नर्क बन जाए तो कैसे जियोगे। कुछ ऐसी ही कहानी है आज की, जो आपके दिल के साथ खेलकर आपके दिमाग तक को सुन करने की क्षमता रखती है। गाइस, अगर आप मुझे सुनना पसंद करते हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का से दे। तो चलो कहानी सुनाती हूँ। कहानी शुरू हुई एक कार सीन से, जहां एक माँ की बेटी धीरे धीरे मौत की तरफ जा रही थी। आखिर कौन थी ये लड़की और उसकी ऐसी हालत किसने की थी। यहाँ से कहानी हमें ठीक 20 साल पहले की दिखाई जाती है, जहाँ हम एक फैमिली को देखते हैं, जिनमें हमारी मेन कैरेक्टर है सारा। सारा आज रात को एक पार्टी में जाने वाली थी। सारा एकदम खुली सोच वाली आजाद परिंदे की जैसी थी, पर यही सोच घर के हेड यानी मिस्टर डॉन को बिल्कुल पसंद नहीं थी। अक्सर सारा की फरमाइशें सुनकर उनका खून खौल उठता था, पर अब बस, क्योंकि सारा ने क्रिस के साथ अपनी खुशियां ढूंढ ली थी। क्रिस उसका बॉयफ्रेंड, सारा हर रात उसके साथ जाया करती थी। पर इस पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि आज सारा की चोरी डॉन ने पकड़ ली थी। सारा पूरी रात से बाहर थी, जहां अगली सुबह जब डॉन सारा और क्रिस को साथ में देखता है, तो ये पल डॉन की आंखों में कैद हो जाता है, जहां हम एक बाप का असली शैतानी रूप देखते हैं। वो सारा को पूरे 7 दिनों के लिए घर के अंदर कैद कर देता है, जिसमें सारा की बहन और माँ से अलर्ट करती है कि डॉन से पंगा लेना भारी पड़ सकता है। जिसपे सारा अपने 18 बर्थडे के प्लान्स बताती है कि वो 18 की होते ही अपने लवर के साथ बहुत दूर चली जाएगी। डॉन बाहर खड़ा इन तीनों की बातें सुन रहा था, और ठीक उसी वक्त वो एक बड़ा फैसला लेता है कि वो सारा के सारे प्लान्स को खराब कर उसे घर में ही कैद रखेगा, जिसके लिए वो घर के बेसमेंट वाला कमरा इस्तेमाल करने का सोचता है। इन सब से अनजान सारा अपने बॉयफ्रेंड क्रिस से बात कर रही थी, तभी डॉन वहाँ मदद के बहाने से सारा को अपने साथ ले जाता है, और उस बॉक्स के साथ सारा को सीक्रेट रूम में ले जाता है, जहाँ दरवाजा बंद होता है और सारा की अंधेरी जिंदगी शुरू। पर वहीं डॉन अपनी नॉर्मल लाइफ लगता है। देर रात तक जब सारा घर नहीं आती, तो उसकी माँ जॉली और बहन एमी को फिकर होने लगती है, जिसके लिए वो पुलिस बुलाते हैं। पर यहाँ डॉन पुलिस से कहता है कि सारा बहुत वक्त से अपने लवर के साथ भागने की प्लानिंग कर रही थी, और हो ना हो यही हुआ है। पर वही सारा उस अंधेरे कमरे में लाचार, वो वहाँ से निकलने की हर जी तोड़ कोशिश कर चुकी थी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी वहाँ डॉन आ जाता है, जो सारा को बताता है कि ये रूम डिजिटल कोड से खुलता है, जिसे मैं हर दिन बदलता हूँ, और अगर तुमने 3 बार अलग कोड लगाया तो यहाँ के लाइट जाने के साथ यहाँ का एग्जॉस्टिंग फैन भी बंद हो जाएगा, मतलब कि इसी बंद कमरे में सारा की दम घुटने से मौत हो जाएगी। पर सारा हार मानने वालों में से नहीं थी, क्योंकि उसने टीन के ढक्कन से एक वेपन बनाया था, जिससे वो डॉन पर हमला कर देती है। पर डॉन बहुत शातिर था, और गुस्से में उसे दीवार के साथ ढकेल कर हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है। सारा बुरी तरह टूट चुकी थी, वो क्रिस के साथ बिताए हुए हसीन पलों को याद करती है। आज सारा का 18 बर्थडे था, जिसमें वो फिर से सारा को दर्द देता है। सारा को इसी बेसमेंट में रहते 1 साल गुजर चुका था, और अब वो डॉन के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी, जिसे वो बिना किसी की मदद के इस दुनिया में लाती है। सारा उस बच्ची का नाम मैरी रखती है। पर यहाँ से कहानी एक बड़ा मोड़ लेगी, जब पहली बार सारा को ढूंढने क्रिस उनके घर आता है, जहाँ डॉन क्रिस को बताता है कि सारा तो किसी स्टीव नाम के लड़के के साथ भाग गई, और दूसरा झूठ ये कि इसके बारे में जॉली और एमी भी जानती है। तो क्रिस वहाँ दोबारा कभी नहीं आने की कसम खाकर चला जाता है। अब कहानी 4 साल आगे बढ़ती है, जहाँ सारा फिर से प्रेग्नेंट थी, जिसमें वो एक माइकल नाम के लड़के को जन्म देती है। सारा ने इसी बेसमेंट में अपनी दुनिया ढूंढ ली थी, वो अपने बच्चों को हर खुशी देने की कोशिश करती थी। सारा पूरे 7 सालों से उसी बेसमेंट में बंद थी, पर एक बार फिर सारा की एक झलक देखने के लिए क्रिस उनके घर के बाहर आता है, जहां उसकी मुलाकात एमी से होती है। दोनों बातें करते हैं, और इसी बीच क्रिस स्टीव के बारे में पूछता है, जिसके बारे एमी कुछ नहीं जानती थी, और यहीं पर एमी को डॉन पर शक होता है कि दाल में कुछ तो काला है। वो सारी बातें अपनी माँ को बताती है, जिसपे दोनों माँ बेटी मिलकर डॉन पर टूट पड़ती हैं। पर इसी बीच डॉन से वो चाबी छूट जाती है, जिसे पाकर एमी तुरंत बेसमेंट में जाती है, और
ढूंढने लगती है, पर तभी वहाँ डॉन आ जाता है जो एमी को वहाँ से भगा देता है। सारा पूरे 14 सालों से उसी बेसमेंट में कैद थी, जहाँ एक बार फिर वो प्रेग्नेंट है और इस बार वो थॉमस को जन्म देती है। लेकिन इस बार सारा थॉमस को ऊपर घर में रखने के लिए डॉन को मना लेती है। तो फिर क्या, जॉली को एक बच्चे के साथ एक चिट्ठी मिलती है जो कि सारा की हैंडराइटिंग में थी, जिसमें सारा ने कहा था कि उसके घर की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, जिसके चलते वो इस बच्चे को नहीं पाल सकती। तो मम्मी बच्चे को तो उठा लेती है, पर खुशी खुशी में उनकी नजर दूसरी चिट्ठी पर जाती ही नहीं, जो कि डॉन के हाथ लग जाती है, जिसमें सारा ने मदद मांगी थी। डॉन बेसमेंट में जाकर उसी रेड ड्रेस में सारा को फिर से दर्द देता है, जिसके बाद कहानी 17 साल आगे बढ़ जाती है, जब बारिश होने की वजह से सारा के रूम में पानी की एक बूंद गिरती है। पर सारा को यहीं से उम्मीद दिखाई देती है, तो वो एक चम्मच से उस छोटे से छेद को बड़ा कर लेती है और अंधेरा होते ही टॉर्च से सिग्नल देती है, जो कि उनका एक पड़ोसी देख लेता है, जो कि वो डॉन को बताने जाता है। पर डॉन यहाँ पर सब कुछ ठीक है बोलकर उसे भगा देता है और बेसमेंट में जाकर जो कहर सारा पर बरसाता है, उफ, वो सारा के पेट में पल रहे बच्चे को मार देता है। सारा को वो दर्द मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और फिर आता है डॉन की जिंदगी में एक बड़ा मोड़। अचानक से डॉन की जॉब चली गई थी और ऊपर से घर खाली करने के भी ऑर्डर्स मिल चुके थे, जिस वजह से डॉन के लिए दो दो फैमिलीज को पाल पाना मुश्किल हो रहा था। तो वो सारा और उसकी फैमिली को खत्म करने का सोचता है। वो अपनी गाड़ी से बेसमेंट में धुआं छोड़ने लगता है, पर तभी वहाँ थॉमस आ जाता है, जिस वजह से डॉन को गाड़ी बंद करना पड़ता है। पर नीचे बाकी सब तो ठीक थे, पर मैरी की हालत बहुत खराब हो गई थी। मैरी पहले से ही अस्थमा की मरीज थी और इस धुएं के चलते उसकी तबीयत और खराब होने लगती है। तो सारा जैसे तैसे मैरी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए डॉन को मना लेती है, पर डॉन ठहरा शातिर आदमी। वो सारा को चुप रखने के लिए माइकल को उसी कमरे में बंद कर देता है, जहाँ दम घुटने से वो मारा जाता। बस अगले सीन में सारा मैरी को हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ जब डॉक्टर मैरी की हेल्थ को लेकर सारा से बात करने लगती है, तो इसमें डॉन घुस जाता है और उसकी अजीब बातें डॉक्टर को उस पे शक करने को मजबूर कर देती हैं। खैर, डॉक्टर डॉन को एक फॉर्म भरने को कहती है, जिस पे मौका पाकर सारा पानी गिरा देती है। और जब डॉन दूसरा फॉर्म लेने जाता है, वो अपनी पूरी ताकत लगाकर डॉक्टर की तरफ भागती है, जहाँ डॉन सारा को देखकर उसे बहुत आवाजें लगाता है। पर जैसे ही सारा एक पुलिस ऑफिसर को देखती है, तो वो डॉक्टर के गले लगकर उससे मदद मांगती है। डॉन अब पकड़ा गया था और माइकल को भी रेस्क्यू कर लिया था। अब ये तीनों आजाद थे एक नई जिंदगी के लिए, जिसके ये हकदार थे। तभी हम क्रिस को देखते हैं, जो आज तक सारा का इंतजार कर रहा था। उसने शुरू में ही सारा को अपनी मिस्टर परफेक्ट मान लिया था। वो सारा को एक हेलमेट गिफ्ट देता है, जो कि उसने सारा के 18 बर्थडे के लिए संभाला था। और यहाँ एक बार फिर सारा फिर से अपनी खुशियों के सफर में निकल पड़ी और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाता है। गाइस, पर्सनली ये मूवी मुझे बहुत पसंद आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।